नमस्कार, न्यूज 9 नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। इस खबर के प्रायोजक हैं डॉक्टर रजी अहमद, मधुमेह क्लिनिक। सिवान से सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सिवान से मलमलिया जा रहे एक व्यक्ति को कुछ लुटेरों ने मोटरसाइकिल छीनने का प्रयास किया, जिसको नहीं देने पर वो चाकू से हमला कर दिया। आपको बता दें कि कम से कम 4-5 जगह पीठ पर चाकुओं के वार के निशान हैं, जो किसी तरह से चिल्लाया और हल्ला गुल्ला करने के बाद लोग वहाँ पर पब्लिक पहुँची तो वो लोग उसको छोड़कर भागे। फिलहाल उसका इलाज सिवान सदर अस्पताल में चल रहा है। आइए मामला ये है कि मैं जा रहा था जैसे अपना घर दी मतलब दीदी के पास। कहाँ पर दीदी घर है? दीदी घर है नहीं माधोपुर, माधोपुर से तब जा रहा दीगर दीगो भी। कहाँ से आप जा रहे थे? सिवान से जा रहे थे। क्या हुआ फिर? वो मलमलिया से 1 किलोमीटर में आगे ये लोग किया, मतलब कि 3 थे वो मोटरसाइकिल में, 3 सवारी थे, वो लोग मिलकर ही किया है। मुझे पहले रोका था, रोकने के बाद फिर जाके बोला कि चाबी दो, मची था तो मोटरसाइकिल की चाबी। हाँ, तो मैं बोला कि मैं नहीं देगा, तो उसी में मेरे को पकड़ा था। मैं क्या कैसे ऊपर में गिर गया, वो लोग को मोटरसाइकिल के ऊपर मैं गिरा, तब जाकर उसने वो चाकू निकाल कर मारना चालू कर दिया। अच्छा, लगभग कितना चाकू मारा गया आपको? उस टाइम तो नहीं देखा था, उस टाइम और ना झगड़ा में कोई ध्यान भी नहीं था कितना क्या मारा है। कुछ सामान वगैरह भी छीना हुआ है आपसे? नहीं, कुछ नहीं छीना। गाड़ी छीन लिया ना? गाड़ी ना, गाड़ी है, गाड़ी है, सब कुछ है, सब कुछ नहीं छीना है। वहाँ के स्थानीय थाना पे गए थे आप? नहीं, स्थानीय थाना पर नहीं किए, शिकायत नहीं किए। वहाँ से जब चिल्लाया ना तो तब जाकर तो तीनों भागा, लोग दौड़े थे मदद के लिए। उस टाइम नहीं थे वो, तब ले कोई आदमी चाहिए आ रहे थे, देखे थे देखे, हमें भी उनको ध्यान नहीं दिए, लेकिन चिल्लाए मैं, लेकिन तब जाकर उसने भागा, उसने भाग गया जैसे उतर ले। अभी आपने पुलिस कंप्लेन किया है? नहीं, अभी तक क्यों चलेगा, करेंगे, अभी कोई आया नहीं है। अभी ये बात है कि वो पकड़ा तो अच्छी बात है, सब कुछ अगला लड़की के क्या नाम है, किसी का टिकट ना आपको। क्या नाम है आपका? मेरा चित्रंजन गुप्ता है। कहाँ घर है आपका? वो कहीं पूरे पड़ते। कौन सा थाना? थाना सराय।